एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके जो रेलवे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की गई है, उसका जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में है क्या, आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कराया जाएगा। देखो, यहाँ पे नोटिस की बात कर लेते हैं। नोटिस आपका ये है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि किसका जो है वो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आने वाले हैं। उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के अंदर आएंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी आपके पासिंग मार्क्स होंगे। अगर जो पासिंग मार्क्स दिए गए हैं, अगर आपने उतने नहीं लेकर आए हैं, तो आप नॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के मार्क्स का होगा जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स उनके होंगे। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि इट इज नोटिफाइड फॉर ऑल दी कंसर्न दैट फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन मेथडोलॉजी फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स मार्क्स शैल बी फॉलोड बाई आरआरबी फॉर नॉर्मलाइजिंग द रॉ स्कोर्स। जो आपके रॉ स्कोर आएंगे ना, जो आप अपने एग्जाम में अपने शिफ्ट में 100 नंबर से जितने नंबर लेकर आओगे वो आपका रॉ स्कोर होता है। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट ऑफ एग्जाम फॉर दिस आरआरबी शैल यूज द परसेंटाइल इक्विवेलेंस। परसेंटाइल का यूज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट होती हैं, कोई शिफ्ट आसान, कोई शिफ्ट भारी, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो आपका जो आरआरबी के मार्क्स आएंगे, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो परसेंटाइल के बेस पर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर क्या है? परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। ये आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस है उन सभी बच्चों की जो एग्जाम में अपीयर किए हैं। द मार्क्स ऑब्टेंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्केल। जो आपके मार्क्स आएंगे उन्हें हम कैसे कैसे चेंज करेंगे? इनटू अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 0। अब 100 से 0 तक जितने भी आपके मार्क्स आए हैं हर एक शिफ्ट में, द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। ये आपके जो मार्क्स ऑब्टेन, आपने जो रॉ स्कोर आपका आया है, ये परसेंटाइल स्कोर नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे होगा? जैसे आपके 100 टू 0 मार्क्स हैं, अब आपने 100 में से जो आपकी शिफ्ट है, जैसे आपकी 7 तारीख की आपकी पहली शिफ्ट है, 7 तारीख की पहली शिफ्ट में आपने पेपर दिया मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं, अगर आपने इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मार्क्स लाने वाला बच्चा है उसके कितने आए हैं, 75 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और जो मिनिमम मार्क्स लाने वाला बच्चा है, सबसे कम इस शिफ्ट में जितने मार्क्स हैं वो कितने हैं, मान लो 15 हैं। ठीक है, तो आपका जो 100% होगा, ये जो 75 होगा ना, ये 100% के बराबर होगा उस शिफ्ट का, और ये जो 15% है ये 0% के बराबर होगा उस शिफ्ट का। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटाइल का स्कोर बनाया जाएगा। अब परसेंटाइल का स्कोर बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है, फिर परसेंटाइल स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स डेट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो, ठीक है, सेम और लोअर रो स्कोर्स डेट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन डेट एग्जामिनेशन। देयरफोर द टॉपर, जो टॉपर होगा उस शिफ्ट का, हाईएस्ट स्कोर वाला ऑफ ईच शिफ्ट विल गेट द सेम परसेंटाइल ऑफ 100, ठीक है, विच इज डिजायरेबल। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है देयरफोर जो टॉपर होगा ऑफ ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट का, टू गेट द सेम परसेंटाइल, उसकी जो परसेंटाइल होगी जो मैंने आपको बताया है वो 100% मानी जाएगी। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेंड इज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट स्कोर आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू अप्रोप्रिएट परसेंटाइल। इसी के अकॉर्डिंग जो इनके बीच के मार्क्स होंगे उन्हें भी परसेंटाइल में चेंज किया जाएगा। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या बात की गई है। परसेंटाइल स्कोर हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। चलो इसे एक बार इरेज कर देते हैं।
चलिए अब यहाँ पे आगे आगे देख लेते हैं, दी परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ द रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट एंड शैल बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। ये जो परसेंटाइज स्कोर है ये मेरिट लिस्ट के लिए क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर शिफ्ट, पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए आप कैसे कैलकुलेट वहाँ पे वो लोग करेंगे, जो परसेंटाइल स्कोर होगा पर्टिकुलर शिफ्ट का वो कैसे होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन दिस शिफ्ट विद रॉ स्कोर, ठीक है, आपके जितने भी उस शिफ्ट में बच्चों के नंबर आए हैं जो रॉ स्कोर आए, किसी के 60, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 100, तो ये जो मार्क्स होंगे इसको क्या कर दिया जाएगा, सबको ऐड कर दिया जाएगा, उसके अपॉन में क्या किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपीयर हुए हैं उससे 100 करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो उस शिफ्ट की परसेंटाइल स्कोर आ जाएगी, ठीक है। फिर द परसेंटाइल स्कोर फॉर द रॉ स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑल शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड। अब सभी शिफ्ट की जब परसेंटाइल स्कोर आ गई है तो उन सभी शिफ्ट की परसेंटाइल को मर्ज कर दिया जाएगा और आपकी जो फाइनल स्कोर आपका आएगा जो मेरिट लिस्ट में आएगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट उससे तैयार होगी, तो वो होगा आपका आरआरबी स्कोर जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा लेवल वन के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको बताई गई है। फिर आपको तीसरी छठी चीज यहाँ पे बताई गई है, जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस होगा, ठीक है, जैसे कि परसेंटाइल आपकी है 80, तो आप कहोगे 80.26725, इस तरीके से आपका परसेंटाइल होगा, टू अवॉइड बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइज, ताकि बच्चों के मार्क्स आपस में क्या हो, मिले, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो क्या करना है, अगर सेम स्कोर आ गया है सभी का तो आपको क्या करना है, पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, तो उनकी एज के बेस पे हो जाएगा, अगर ये सेम आ गया है तो एज के बेस पे, एज जिसकी ज़्यादा होगी उसे प्रेफर कर लेंगे, अगर एज भी सेम है तो लेटर के बेस पे, किसी का ए से आ रहा है किसी का सी से आ रहा है तो ए वाले को चूज कर लेंगे, इस तरीके से बहुत ही कम चांसेस हैं ऐसा होने के। फिर आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स बता दिए गए हैं कि आपके जो जनरल वाले हैं उनके लिए 40% पासिंग मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% हैं, ओबीसी के लिए 30% हैं, सभी कैटेगरी के हैं, अगर आपके इतने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं तभी नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, वरना छोड़ दिया जाएगा, आपको उस कैटेगरी में रखा नहीं जाएगा। फॉर दिस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ ईच कैंडिडेट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज डिटेल्ड बिलो which will be basis for deciding who are the candidates that have scored minimum percentage of marks as per qualifying criteria in CNS and as well as for giving weightage in marks, ठीक है, ये बात हो गई, आपको इस तरीके से आपका normalization किया जाए, ठीक है। अब आ जाता है selection of base shift, अब ये एक जो आपकी मर्ज की जाएगी, जो आपकी परसेंटाइल आपकी एक बनाई जाएगी वो एक बेस शिफ्ट के तौर पे बनाई जाएगी, एक बेस, एक शिफ्ट को बेस रखा जाएगा। अब वो शिफ्ट जो बेस होगी वो कौन सी शिफ्ट होगी, वो जो बेस शिफ्ट होगी वो शिफ्ट होगी आपकी जहाँ पर आपके जिस भी शिफ्ट में सभी बच्चों के जो टोटल आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसे बेस शिफ्ट बनाकर आपकी परसेंटाइल तैयार की जाएगी, यहाँ पर आपको इतना बताया गया है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दे दिया गया है किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी आपकी नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स, आपके किस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगे, ये आपको दोनों तरीके दे दिए गए हैं ए और बी में, ठीक है। यहाँ पर देखो, उन बच्चों के जिनका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा किसके, बेस शिफ्ट के परसेंटाइल के, उनका जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे वो इस तरीके से किए जाएंगे। दूसरा, वो कैंडिडेट्स जिनके जिनका परसेंटाइल स्कोर क्या होगा, कम होगा या फिर कम इज लेस देन और द मिनिमम परसेंटाइल, जो आपकी उससे कम होगा उसके लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला तैयार, इस फॉर्मूले से आपका क्या निकलेगा, मार्क्स आपके निकाले जाएंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इस तरीके से निकाले जाएंगे। आपको बता दिया है एन से यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, वाई वन क्या है, मार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वन परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं, एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर लाकर रख दी है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके क्या बनने हैं, मार्क्स आपके बनकर तैयार होंगे, ठीक है।
तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि आपकी कोई शिफ्ट आसान हो कोई भारी हो तो सभी बच्चों को एक ही लेवल पर लाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। किसी शिफ्ट में किसी बच्चे के 60 मार्क्स ही हैं भारी शिफ्ट में, वहीं आसान शिफ्ट में 75 मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने वाले के, तो 60 नंबर वाला ये ना सोचे कि वो पीछे रह गया है, ठीक है। आपकी शिफ्ट भारी थी, जो जब नॉर्मलाइज होंगे मार्क्स तो वो आपके उसके बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक लेकर आई थी। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तो सभी अपना ख्याल रखेंगे। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।